स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 1 वर्ड आर्ट गुजराती में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ड आर्ट। उसमें सबसे पहले हम फिश बनाएंगे, मछली। तो फिश बनाने के लिए जो फिश दिखती फिश है और उसके अंदर वर्ड दिखना चाहिए मछली का, तो मछली का वर्ड दिखना चाहिए और शेप मछली का होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले लाइटली पूरा जो मछली बनानी है, तो मछली का पूरा शेप हमको बनाना है। शेप पूरा बन जाने के बाद फिर हम फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करेंगे जो है म। तो सबसे पहले लाइटली आपको ड्रॉ करना है, उसके लिए HB पेंसिल का यूज़ करना है। और लाइटली ड्रॉ करने के बाद जब परफेक्ट हो जाता है तभी आपको डार्क पेंसिल का यूज़ करना है। और ये वर्ड आर्ट के अंदर कम से कम इरेजर का यूज़ करना है। सो सबसे पहले लाइटली आपको ड्रॉ करना है, जैसे मछली का शेप जो है वो आपको बहुत कम दिखाई देता होगा, तो उस हिसाब से पहले आपको बनाना है, बाद में आपको डार्क बनाना है। तो यहाँ पे गुजराती में म बन गया। एकदम आराम से करना है और जो भी आप लाइनिंग खींचो एक ही साथ आपको लाइनिंग खींचनी है, बीच बीच में रुक रुक के लाइनिंग नहीं खींचनी है, याद रखें। ये माँ बन गया, अभी गुजराती में छ, तो ये बनाना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा मेजरमेंट करना पड़ेगा, मेजरमेंट के हिसाब से आपको वर्ड आपको बनाने हैं। यहाँ पे चैप्टर 1 के अंदर काफी सारे पिक्चर दिए हैं, 1/4 यानी के 40 पिक्चर आपको दिए हैं। उसके अंदर से आपको कोई भी 4 पिक्चर आपको अपनी ड्राइंग बुक के अंदर ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे 4 पिक्चर में आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप पिक्चर बना सकते हो, यही चारों पिक्चर भी बना सकते हो और दूसरा जो आपको अच्छा लगे वो भी आप बना सकते हो, यानी कि कोई भी 10 जो पिक्चर है, 40 पिक्चर है, उसमें से कोई भी 4 पिक्चर आप बना सकते हो। अभी लास्ट वर्ड है ली, उसको जो मछली की जो लास्ट जो पंख होती है उसके शेप में बनाना है। ये गुजराती में बनाया, इस हिसाब से आप इंग्लिश में भी बना सकते हो, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर इंग्लिश में वर्ड आएंगे। तो यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे आपको पिक्चर दिए हैं, उस हिसाब से आप क्रिएटिव भी, आप अपने हिसाब से कोई भी क्रिएटिव भी बना सकते हो। ये पूरा मछली का शेप बन गया, अभी उसकी थोड़ा साइड में ऐसा बाकी है, उसकी जो पंख आती है वो आपको ड्रॉ करनी है। परफेक्शन के लिए फिर से कह रहा हूँ, एकदम लाइटली पिक्चर आपको ड्रॉ करना है, धीरे धीरे एकदम परफेक्ट बन जाने के बाद ही आपको डार्क बनाना है। ये मछली का पिक्चर रेडी हो गया। यहाँ पे जो हमने आउटलाइन जो बनाई थी उसको आपको अगर दिखती हो तो इरेज आपको कर देना है। तो ये मछली का पिक्चर रेडी है, अभी दूसरा हम पिक्चर बनाएंगे हैमर यानी के हथौड़ी, गुजराती में कहते हैं हथौड़ी। तो हथौड़ी
हैमर जो है उसको बनाने के लिए पहले हमको स्ट्रेट लाइनिंग करनी है। उसके अंदर मैंने स्ट्रेट लाइनिंग में से 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया है और बीच में 1 सेंटीमीटर और लास्ट में 0.5 सेंटीमीटर का दो पार्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस शेप में आपको एकदम लाइटली लाइनिंग करनी है। ये लाइनिंग जो है वो बाद में हमको इरेज करनी है, सो बी केयरफुल, लाइटली ही सिर्फ लाइनिंग करें, उसको डार्क मत करो। ये सिर्फ आपको ही दिखनी चाहिए लाइनिंग, यहाँ पे भी बहुत मुश्किल से आपको दिखाई देती होगी। बाद में ये जो हैमर है उसका लेफ्ट और राइट में हम शेप बनाते हैं। यहाँ पे गुजराती में ह आएगा और वो जो हैमर का हैंड है उसमें 2 वर्ड आएंगे, थो और डी। वो 2 वर्ड हमको हैंड में बनाने हैं। यहाँ पे अब हम ह से शुरुआत करते हैं। ह वर्ड जो है वो थोड़ा यहाँ पे क्रिएटिव बन जाएगा। अभी यहाँ पे कौ लेना है राउंड में, एकदम आराम आराम से आपको करना है। एकदम लाइटली आपको बनाना है। आपको आसानी से दिख सके उसके लिए मैंने यहाँ पे डार्क पेंसिल का यूज किया है, बट आपको स्टार्टिंग में लाइटली ही ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर आप गलती करोगे फिर उसको इरेज करोगे तो वहाँ पे प्रिंट छप जाएगी, वो प्रॉपरली इरेज नहीं होगी। ये आपका ह रेडी हो गया। अभी उसका जो हैंड है वहाँ पे सेकंड वर्ड आएगा थो। यहाँ पे जो बीच में सेंटर में जो लाइनिंग है उसका आप सहारा ले सकते हो मेजरमेंट के लिए। एकदम आराम से बनाना है। इनसे आपकी क्रिएटिविटी डेवलप होगी और कुछ नया आइडियाज आए तो उस हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। और दूसरा भी कोई भी सपोज के जो टूल है तो उसका भी आप ड्रॉ कर सकते हो। जो टूल आपको दिखता है उसका ही वर्ड उसके अंदर आ जाना चाहिए। स्टार्टिंग में यहाँ पे नीचे से ही आपको स्टार्ट करना है, तभी प्रॉपरली आपका पूरा पिक्चर बनेगा। और 3 जो वर्ड है 3 वर्ड को अभी जो उसका हैंड है वहाँ पे 2 वर्ड आएंगे और नीचे की ओर 1 वर्ड जो ह है वो वर्ड आता है, तो उस हिसाब से आपको पहले ही मेजरमेंट कर लेना है लाइटली। तो यहाँ पे हमारा हैमर रेडी हो रहा है, इस हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। अभी 3rd है वो हम रॉकेट बनाएंगे। रॉकेट बनाने के लिए स्टैंडिंग लाइन में स्टैंडिंग एक लाइनिंग करनी है। बाद में यहाँ पे हमको 2 सेंटीमीटर लाइनिंग करनी है, सेंटर लाइन के लेफ्ट में 1 सेंटीमीटर, राइट में 1 सेंटीमीटर और नीचे की ओर सेंटर लाइन से 2 सेंटीमीटर लेफ्ट और 2 सेंटीमीटर राइट, और सबसे नीचे फिर से 1 सेंटीमीटर की स्पेस रखनी है। यानी कि रॉकेट का जो शेप होता है पहले उसको हम ड्रॉ कर देंगे, बाद में उसके अंदर वर्ड राइटिंग हम बनाएंगे। यहाँ पे हम उसकी नोच बनाते हैं।
अभी जो सेंटर में जो है वहाँ पे गुजराती में वर्ड आएगा रो, और नीचे की ओर के और ट, यानी कि दो वर्ड नीचे की ओर आएंगे और पहला वर्ड ऊपर की ओर आएगा। तो जो रो जो लिखना है उसको हम तीन हिस्सों में बांट देंगे, यानी कि स्टैंडिंग लाइन को हमको, यानी कि तीन लाइनिंग आएगी स्टैंडिंग, उसको सभी एक डिस्टेंस में मेजरमेंट करना है। बाद में यहाँ पे उसकी जो नोच है वहाँ पे थोड़ा कर्व होगा, थोड़ा राउंड शेप आएगा, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। पहले पूरा लाइटली ड्रॉ करना है, बाद में जो उसकी नोच है ये जो वर्ड है रो, उसको ड्रॉ करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम ध्यान से बनाना है। नीचे की ओर भी हम कर्व बनाएंगे, यानी कि थोड़ा राउंड शेप बनाएंगे। उसके बाद जो वर्ड है उसका हम यहाँ पे शेप लेंगे। एक दूसरे के पॉइंट को मिलाते जाना है। बिल्कुल आराम से बनाना है। तीनों जो लाइनिंग है उसकी थिकनेस आपको सेम होनी चाहिए। अभी हम नोच जो है वहां पे ड्रॉ करेंगे, यानी कि हमारा रो रेडी हो जाएगा, पहला वर्ड जो है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको फोर पिक्चर मैं बना के आपको दिखाता हूँ। आपकी बुक्स के अंदर 14 ऐसे पिक्चर दिए हैं, उसमें से कोई भी फोर पिक्चर आपको, कम से कम फोर पिक्चर आपको अपनी ड्राइंग बुक के अंदर बनानी है, उनसे ज़्यादा भी आप बना सकते हो। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो पिक्चर दिखाए हैं उनसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आप कोई भी पिक्चर जो है वो आप शेप के माध्यम से आप बना सकते हो, यानी कि जैसा भी आपको शेप दिखता है उसको वर्ड के अंदर उसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, के कंप्लीट हो गया और लास्ट में ट। क को उल्टा करो तो ट बन जाता है। यहाँ पे हमारा रॉकेट रेडी है। अभी लास्ट वाला पिक्चर है स्वान का, यानी कि हंस, स्वान की पिक्चर है, उसके अंदर गुजराती में हंस लिखा हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम स्वान जो है, स्वान की पिक्चर जो है उसकी आउटलाइन हमको बनानी है, क्योंकि जब हम आउटलाइन बनाते हैं और प्रॉपर उसका शेप बना देते हैं तो हमारा 50% वर्क खत्म हो जाता है।
हमको मेजरमेंट करने में आसानी रहती है कि इतनी ही जगह पे, इतने ही स्पेस पे हमारा पिक्चर बनने वाला है। तो यहाँ पे मैंने जिस तरह से लाइटली ड्रॉ किया है उस हिसाब से आपको भी लाइटली पहले ड्रॉ करना है। लाइटली ड्रॉ करने के लिए आपको HB पेंसिल का यूज़ करना है। मार्केट में काफ़ी सारी HB पेंसिल मिलती है पर उसके अंदर एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल लिखा होता है, तो इस एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल को यूज़ नहीं करना है। ओनली जो HB पेंसिल आती है उसका अगर आप यूज़ करोगे तो वेल एंड बेटर रहेगा। ये जो कव है उसको बनाने के लिए आपको पेंसिल को उठाना नहीं है, वन टाइम पे ही ऐसा शेप आपका बन जाना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो ये पॉसिबल होगा। यहाँ पे पहला वर्ड है हो। एकदम आराम से आपको बनाना है। यहाँ पे पहला वर्ड ह जो है वो कंप्लीट हो गया है। बाद में नेक्स्ट वर्ड है स। जो स्वान है उसका जो पंख है वो स वर्ड है उसके शेप में कवर हो जाता है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे बनाना है। अभी उसके अंदर जो छोटी छोटी पैटर्न है वो आपको बाद में करनी है, पहले वो पूरा वर्ड आपको बना देना है। ये पूरा पहले हम स बना देते हैं, फिर इसको थोड़ा लाइट करके जो उसके अंदर उसकी पंख का जो शेप है वो हम शेप इसके अंदर बना देंगे। यहाँ पे थोड़ा पंख जैसा शेप हम यहाँ पे दे देंगे। ये जो पिक्चर है वो आपको ओनली फॉर पेंसिल से बनाना है, उसके अंदर कोई भी कलर पेंसिल या स्केच पेन का यूज नहीं करना है। ये पूरा वर्ड बन जाने के बाद जो भी वर्ड जो है उसके अंदर आप डार्क पेंसिल जो है उनसे आप पूरा पिक्चर डार्क कर सकते हो, उसकी जो स्पेस है उसको आप फिलअप कर सकते हो। कलर का यूज इसके अंदर नहीं करना है। कम से कम 4 पिक्चर आपको अपनी ड्राइंग बुक के अंदर कंप्लीट करने हैं। कुछ क्रिएटिव अगर आपको बनाना है तो दूसरे पेज में भी आप इस तरह से वर्ड आर्ट आप बना सकते हो। सो ऐसी आप अच्छी जो क्रिएटिव पेंटिंग है उसको बना के आपकी मेमोरी भी शार्प कर सकते हो। ओके।